जो भी कुछ हादसा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आने से वहां मतलब वहां जो हादसा हुआ है उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब इस दुख में ऑलरेडी शामिल हो चुका है और मैं भी इस परिजनों को मिलने के लिए मैं इधर आया हूं। या तीन हमारी माताएं का मतलब इसमें मृत्यु हुआ है, तो ये बात बहुत बड़ी गंभीर है, तो इसमें दुख जताने के लिए मैं इधर आया हूं। और बाकी सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फौरन मतलब इसके लिए जो कमेटी है, जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में और उसमें कोई पुलिस ऑफिसर्स है उनकी एक कमेटी बनाई है और बहुत ही जल्द उसका रिपोर्ट मांगा है। इसकी पूरी जांच जो है एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसमें भी कहीं बाबा का नाम नहीं, कोई एफआईआर में नाम नहीं, लेकिन पुलिस परिवारों का कहना है कि बाबा कार्रवाई क्यों ठीक है। अभी नहीं, अभी जो एसआईटी के है, लेकिन अभी जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है तो उस कमेटी का रिपोर्ट अभी आएगा। और मुझे लगता है कि भाई ये हादसा इतना बड़ा है कि इसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी। लगातार मतलब 12-13 जो आरोपी उनको अरेस्ट कर दिया है, लेकिन बाबा के संबंध में जो भी अभी रिपोर्ट आएगी, मतलब कानून से कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर रिटायर्ड जज की कमेटी का रिपोर्ट जो आएगा उसमें जो जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करने की सूचना अगर उनसे मिलेगी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने फौरन मतलब यहां आकर विजिट भी दे दी थी और परिजनों को 2-2 लाख की मदद उन्होंने दी है। भारत सरकार की तरफ से भी 2-2 लाख रूपये की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और बाकी मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करने वाला हूं कि परिजनों को मतलब एक फैमिली के लिए एक अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो उनको बहुत बड़ा आधार होगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करने वाला हूं और भी ज्यादा कुछ मदद हो सकती है। जो बाबा की जो प्रॉपर्टी है, बाबा की प्रॉपर्टी में से भी कोई मदद इन फैमिलियों को मिलनी चाहिए। जो भी कुछ हादसा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आने से वहां मतलब वहां जो हादसा हुआ है उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब इस दुख में ऑलरेडी शामिल हो चुका है और मैं भी इस परिजनों को मिलने के लिए मैं इधर आया हूं। या तीन हमारी माताएं का मतलब इसमें मृत्यु हुआ है, तो ये बात बहुत बड़ी गंभीर है, तो इसमें दुख जताने के लिए मैं इधर आया हूं। और बाकी सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फौरन मतलब इसके लिए जो कमेटी है, जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में और उसमें कोई पुलिस ऑफिसर्स है उनकी एक कमेटी बनाई है और बहुत ही जल्द उसका रिपोर्ट मांगा है। इसकी पूरी जांच जो है एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसमें भी कहीं बाबा का नाम नहीं, कोई एफआईआर में नाम नहीं, लेकिन पुलिस परिवारों का कहना है कि बाबा कार्रवाई क्यों ठीक है। अभी नहीं, अभी जो एसआईटी के है, लेकिन अभी जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है तो उस कमेटी का रिपोर्ट अभी आएगा। और मुझे लगता है कि भाई ये हादसा इतना बड़ा है कि इसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी। लगातार मतलब 12-13 जो आरोपी उनको अरेस्ट कर दिया है, लेकिन बाबा के संबंध में जो भी अभी रिपोर्ट आएगी, मतलब कानून से कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर रिटायर्ड जज की कमेटी का रिपोर्ट जो आएगा उसमें जो जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करने की सूचना अगर उनसे मिलेगी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने फौरन मतलब यहां आकर विजिट भी दे दी थी और परिजनों को 2-2 लाख की मदद उन्होंने दी है। भारत सरकार की तरफ से भी 2-2 लाख रूपये की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और बाकी मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करने वाला हूं कि परिजनों को मतलब एक फैमिली के लिए एक अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो उनको बहुत बड़ा आधार होगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करने वाला हूं और भी ज्यादा कुछ मदद हो सकती है। जो बाबा की जो प्रॉपर्टी है, बाबा की प्रॉपर्टी में से भी कोई मदद इन फैमिलियों को मिलनी चाहिए।